वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम राकिर अंसारी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन करीम सिटी कॉलेज। आज मैं आप लोगों को एपी कराने वाला हूँ। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आज आप लोगों को 1B कराने वाला हूँ, एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1A मैंने लास्ट क्लास में कराया था। एक्सरसाइज 1A का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था। पहले मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1B में स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं, एक्सरसाइज 1A का 21 नंबर क्वेश्चन मेरा छूट गया था। मैं पहले इसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1B बताऊंगा। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 15 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 21। फाइंड द नंबर्स। बता, एपी के तीन संख्याओं का योगफल 15 है, यानी तीन संख्या एपी का, तीनों संख्या को जोड़ने से, जैसे कि एपी का एक सीरीज ले लेते हैं 2, 4, 6, ये तीनों को जोड़ने से कितना आएगा? 12 आएगा। तो तीनों को जोड़ने से जैसे 12 आ रहा है, उसी तरह कोई सीरीज होगा जिसको जोड़ने से क्या आएगा? 15 आएगा। एंड द फर्स्ट एंड लास्ट इज एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 21। फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट यानी गुणनफल, यानी मल्टीप्लाई करने से पहला और लास्ट को जैसे मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा, तो उसी तरह पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए? वो 21 होगा। तो तीनों नंबर ज्ञात करना है कि वो तीनों नंबर क्या होना चाहिए, कि मल्टीप्लाई करने से 21 आएगा फर्स्ट एंड लास्ट को, और तीनों को जोड़ने से 15 आएगा। सॉल्व करते हैं। लेट द थ्री नंबर्स आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस डी। याद रखिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा कि एपी का तीन संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, या उसका स्क्वायर इतना है, या उसका क्यूब इतना है, या एपी का तीन संख्याओं की जगह बोल सकता है कि चार संख्याओं को जोड़ने से इतना आ रहा, पांच संख्याओं को जोड़ने से इतना आ रहा, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो तीन संख्या बोलने पर ये लेंगे। अगर चार संख्या बोला गया है तो पहला संख्या को ए माइनस थ्री डी मानना है, दूसरे संख्या को ए माइनस बी मानना है, तीसरे संख्या को ए प्लस बी मानना है, चौथे संख्या को ए प्लस थ्री डी मानना है। अगर पांच संख्या बोला गया तो पहले संख्या को ए माइनस टू डी, दूसरे संख्या को ए माइनस बी, तीसरे संख्या को ए, चौथी संख्या को ए प्लस बी, और पांचवी संख्या को ए प्लस टू डी मानना है। तीन संख्या बोलता है ये मानना है, चार संख्या बोलता है क्वेश्चन में तो ये मानना है, और अगर एपी का पांच संख्याओं का योगफल गुणनफल क्यूब स्क्वायर वगैरह दिया है तो पांच संख्या हम लोग क्या मानेंगे? पहला संख्या ये, दूसरा संख्या ये, तीसरा संख्या ये, चौथा संख्या पांचवा, ये ठीक है। ये हम लोग क्यों मान सकते हैं, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देख बताता हूं। जैसे एक सीरीज मान लेते हैं 3, 5, 7, या कोई भी एक सीरीज हम लोग ले सकते हैं 2, 5, 8, कोई भी एक सीरीज ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी, मैं ये लेके बताता हूं वो। तो सबसे पहले बीच वाले संख्या को मैंने क्या माना? ए, यानी इसको हम ए मान लिए। दोनों बीच का गैप कितना है? 3 का गैप, यहां पर 3 का गैप है, ये 3 क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस, मीन्स बी मेरा क्या है? 3 है। ये 2 कैसे आया? तो अगर हम लोग 2 देखेंगे तो 5 में से 3 को लेस करके ये 2 आया, 5 में 3 ऐड करके ये 5 आया, 5 में डी को लेस किया गया तो फर्स्ट टर्म निकला, मिडिल टर्म से मेरा कॉमन डिफरेंस लेस किया गया तो फर्स्ट टर्म निकला, मिडिल टर्म से मिडिल टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया गया तो मेरा थर्ड टर्म निकला। तो ये मेरा कैसा है? ए माइनस डी, ए क्या है मेरा 5, 5 में से ये 3 को लेस किया गया तो 2 आया है, और ये क्या है मेरा 5 प्लस 3, 5 मेरा क्या है ए, और प्लस 3, 3 क्या है मेरा डी है, तो ये क्या है मेरा ए प्लस डी। यानी कि फर्स्ट, अगर हम लोग मिडिल टर्म को ए मान लेते हैं तो ए से डी को लेस करने पर फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, और ए में डी को ऐड कर देने पर वो थर्ड टर्म निकल आएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक सीरीज ले लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14। मिडिल को मैंने क्या माना? ए। अगर इसको ए मानते हैं, इसमें से इसको अगर हम लोग देखेंगे यहां पर कितना डिफरेंस है, यहां पर कितना डिफरेंस है? 3। तो 2 और 8 के दरमियान 6 का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस का जस्ट डबल डिफरेंस है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? ए माइनस 2D। ए क्या है मेरा? ए क्या माने में हम
8 माइनस 2 इंटू डी, डी क्या आएगा 3, तो 8 में से 6 को लेस करेंगे तो 2 आएगा। दूसरा 8 में डी को लेस करेंगे, ए में डी को लेस करेंगे तो मेरा ये सेकंड टर्म निकलेगा, और ए में डी को ऐड करेगा तो ये मेरा फोर्थ टर्म निकलेगा। ए मीन्स 8 और डी मीन्स 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। और ये फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, ए मीन्स 8 इंटू क्या है मेरा 2d, 2d मीन्स 2 इंटू 3, सो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 14। तो इस तरह से हम लोग एपी का 3 संख्या ये मान सकते हैं, एपी का 4 संख्या ये मान सकते हैं, और एपी का 5 संख्या ये मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, तीनों संख्याओं को जोड़ने से यानी a माइनस डी फर्स्ट है, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी, तीनों संख्याओं को जोड़ने से क्या आएगा 15 आएगा, a माइनस डी प्लस a और a प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा 15, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, ए प्लस ए प्लस ए 3 है इज इक्वल टू 15, ए इज इक्वल टू क्या निकला 5। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोला है फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या होगा 21, तो फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स क्या, फर्स्ट संख्या मेरा ए माइनस बी है, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना ए प्लस बी से, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा सॉरी 21 आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणनफल 21 है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 21, ए का वैल्यू क्या निकला 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, माइनस बी स्क्वायर को बराबर उस साइड आते हैं 25, ये प्लस 21 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर उस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकला 4, बी का वैल्यू क्या निकलेगा प्लस माइनस 4, मूल्य निकालेंगे तो दो वैल्यू निकलता है, एक प्लस निकलता है और एक माइनस निकलता है, तो डी का वैल्यू क्या हो गया मेरा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, डी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा प्लस माइनस 2, सॉरी 2 निकला डी का वैल्यू। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन में, व्हेन ए बराबर 5, ए का वैल्यू 5 लेते हैं और डी का वैल्यू क्या है मेरा प्लस 2 भी है माइनस 2 भी है, मीन्स एक बार प्लस 2 लेकर बना रहा है और एक बार माइनस 2 लेकर बना रहा है, तो जब हम लोग ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू 2 लेते हैं देन तब मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या माने हैं, फर्स्ट टर्म में हमने माना ए माइनस बी, ए क्या है 5 माइनस बी इज इक्वल टू 3, सेकंड टर्म क्या होगा ए, ए मीन्स क्या 5, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस डी मीन्स 5 प्लस डी अवेल टू है 7, देन सीरीज क्या होगा मेरा एपी इज 3 5 7, ये हम लोगों का एपी होगा जब ए बराबर 5 लेते हैं और डी बराबर प्लस 2 लेते हैं, तो उसके आगे अगेन व्हेन ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं तो क्या होगा, देन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा, फर्स्ट टर्म ए माइनस बी, ए माइनस डी ही माना गया फर्स्ट टर्म को, तो ए का वैल्यू क्या है मेरा, ए का वैल्यू मैंने निकाला 5 और डी का वैल्यू क्या है माइनस 2, तो 5 में लेस करना माइनस 2 को तो ये 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 7, सेकंड टर्म क्या होगा ए, ए मीन्स क्या 5, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस बी मीन्स 5 प्लस डी का वैल्यू माइनस 2 है प्लस माइनस माइनस लेस हो जाएगा तो 2 सीरीज निकला, देन
एपी इज 753। अगर इस एपी को अगर हम लोग देखें, वो तीन संख्या अगर हम लोग देखें, सॉरी यहां पर एपी के जगह नंबर्स लिख दीजिए, देन नंबर्स आर नंबर्स पूछा गया 357 और यहां पर हम लोग यहां पर भी नंबर लिखेंगे, नंबर्स आर 753। अगर ये तीन संख्या आपको देखेंगे तो दो दो का डिफरेंस है, ये भी एपी में है, तीनों का जोड़ने से क्या हो रहा है 15 आ रहा है जैसा कि क्वेश्चन बोला है, और फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है 21 आ रहा है जैसा क्वेश्चन बोला गया है। इस सीरीज को लेते हैं तो इसमें भी क्या है, तीनों का जोड़ने से 15 आ रहा है और फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ रहा है, और ये भी एपी में -2 का डिफरेंस है, मीन्स कॉमन डिफरेंस दोनों बराबर है, दोनों सीरीज हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, ये के भी हो सकता है, इसको भी जोड़ने से 15 आ रहा है, इसको भी जोड़ने से 15 आ रहा है, ये तीनों का भी योगफल मेरा 15 है, गुणनफल फर्स्ट एंड लास्ट का 21 है, इसका भी गुणनफल फर्स्ट एंड लास्ट का 21 है, नोट कर लो। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पहला क्वेश्चन है 3/√5 प्लस 4/√5 प्लस 5/√5 मीन्स √5 प्लस अप टू 19 टर्म। ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, इस सीरीज का 19 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, पहले ही बोल दिया गया क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सम निकालना, सम मींस योगफल निकालना, ऐसे करना फॉर्मूला यूज होगा। ए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ए क्या दिया हुआ 3/√5, एन क्या दिया हुआ पहले बी निकाल देते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है T2 - T1 4/√5 - 3/√5 एलसीएम लेते हैं 4 - 3 = 1/√5 ये मेरा डी निकला, और एन कितना दिया हुआ 19 दिया हुआ है, एस एल का फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A + N-1 × D, एस 19 याद करना, 19 पदों का योगफल याद करना, एन के जगह 19 पुट होगा, 2A के जगह क्या पुट होगा 3/√5 प्लस एन के जगह 19 फुट होगा -1 × D के जगह 1/√5 फुट होगा, 19/2 6/√5 प्लस 6 को लेस करेंगे तो 18 इसके आगे 19/2 √5 √5 कैल्सियम √5 6 प्लस 18 19/2 × ये दोनों का ऐड करेंगे 24/√5 इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 को 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 × 2 = 38 228 आ रहा,
ये आपका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, वन का ही टू है, एक्सरसाइज वन का, वन बी में, वन में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, वन का फर्स्ट, वन का सेकंड, तो आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन, n माइनस टू डिवाइडेड बाय n, n माइनस थ्री डिवाइडेड बाय n, n माइनस फोर अप टू n टर्म। बोला गया है कि इस सीरीज का n टर्म तक का योगफल ज्ञात करना है। n इससे पहले वाला क्वेश्चन बोला था कि 19 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, मीन्स 19 में रहे था, यहाँ पर n टर्म तक का योगफल ज्ञात करने बोला, मीन्स n ही n होगा, एन की जगह आप लोग कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एन की रहने देंगे। ए बराबर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, डी डी का फॉर्मूला टी टू माइनस टी वन, मीन्स एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, एलसीएम लेंगे एन एन का तो एन ही आएगा, एन माइनस टू से लेस होगा एन माइनस वन, ये हो गया एन माइनस टू, ये प्लस माइनस माइनस एन और एन माइनस माइनस प्लस वन, तो ये एन माइनस एन कट गया, प्लस टू और माइनस टू में से वन को लेस करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन बाई एन, तो ये मेरा डी का वैल्यू निकल गया। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एन बाई टू टू इंटू ए, ए का वैल्यू क्या है एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस टू ए के बाद क्या प्लस प्लस के बाद एन, एन की जगह एन ही पुट हो जाएगा, एन की जगह एन ही रखना और डी का जगह डी का वैल्यू माइनस वन बाई एन, एन बाय टू ये से मल्टीप्लाई होगा टू एल, ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस वन को एन से मल्टीप्लाई करें तो एन बाई एन माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वन बाई एन, आगे एन बाई टू एन 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 का एलसीएम क्या होगा एन होगा, एन एन कॉमन है ऊपर का सेम उतरेगा, एन एन कॉमन है ऊपर का सेम उतरेगा, एन एन कॉमन ऊपर का सेम उतरेगा, क्या है एन बाय टू टू एन में से एन को लेस करेंगे तो एन आएगा, माइनस टू में वन को लेस करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय एन, एन एन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ रहा वन बाय टू इंटू एन माइनस वन, ये मेरा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन का थ्री, तीन नंबर क्वेश्चन है, वन प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस नाइन प्लस फाइव प्लस थर्टीन प्लस सेवन प्लस सेवनटीन प्लस अप टू थर्टी टर्म्स अप टू, अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एपी में नहीं है, वन फाइव यहाँ पर हम लोगों का चार का डिफरेंस है, फाइव के बाद थ्री यहाँ पर माइनस टू का डिफरेंस है, फिर थ्री के बाद नाइन यहाँ पर सिक्स का डिफरेंस है, फिर नाइन के बाद फाइव यानी माइनस फोर का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बराबर नहीं है, ये एपी में नहीं है। लेकिन अगर हम इस सीरीज को इस तरह से अगर बांट दे वन थ्री फाइव
7, तो ये एपी में है, आर 3, 5, 9, 13, 17 ये भी एपी में है। पहले वाला सीरीज दो दो का डिफरेंस है और सेकंड वाला सीरीज क्या चार चार का डिफरेंस है, तो ये दो सीरीज हम लोग को बना देना है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट सीरीज का 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, सेकंड सीरीज का अगर हम लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। आप यहाँ पर 8 पद दिया हुआ है, मेरा 8 टर्म्स दिया हुआ है, 8 टर्म्स में फर्स्ट सीरीज का 4 है और सेकंड सीरीज का 4 है, 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट सीरीज का अगर 15 टर्म्स का योगफल निकालते हैं और सेकंड सीरीज का 15 टर्म्स का योगफल निकालते हैं तो इस सीरीज का मेरा 30 टर्म्स का योगफल हो जाएगा। तो दो सीरीज कर देते हैं, फर्स्ट सीरीज 1, 3, 5, 7 अप टू 15 टर्म ले लेंगे इसका, और फिर सेकंड सीरीज का निकालेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका ए बराबर क्या होगा मेरा 1, डी इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 15। एसएन का फार्मूला लगा देते हैं, एसएन का फार्मूला क्या होगा, एस एन 1 इसको मान लेते हैं फर्स्ट सीरीज के लिए, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू डी। तो एन की जगह क्या लिखेंगे, 15 बाई 2 2 इंटू ए प्लस एन 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 15 बाई 2 2 प्लस 14 इंटू 2 15 बाई 2 इंटू 14, 28, 30, 225। ये फर्स्ट सीरीज के मेरा योगफल निकला 225। उसी तरह सेकंड सीरीज के भी निकालते हैं, सेकंड सीरीज क्या है 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म्स। तो इसका ए हो गया 5, डी हो गया 5, 9 माइनस 5 = 4 और एन हो गया 15। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1, इसको एस एन 2 मान लेते हैं, फर्स्ट सीरीज में एस एन 1 माना गया और सेकंड सीरीज में एस एन 2 मान लेते हैं, एन टू डी, डी का जगह एन टू डी। तो एन की जगह 15 बाई 2 2 इंटू ए 5 एन 15 माइनस 1 इंटू डी 4। तो ये 15 बाई 2 5 दो 10 प्लस 14 चौके 56 ठीक है। तो ये हो गया मेरा 15 बाय 2 इंटू 56 66, दूसरे कट जाएगा 33 बार में मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 495 आ रहा है। तो एस 30 निकालना है हम लोगों को, 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है हम लोग, क्या करेंगे एस एन 1 प्लस एस एन 2 15 पदों का योगफल और ये 15 पदों का योगफल दोनों को जोड़ देंगे तो 30 पदों का योगफल निकल जाएगा। एस एन 1 क्या है मेरा 225 और एस एन 2 क्या 495, दोनों को जोड़ देते हैं क्या आपका आंसर होगा, नोट कर लो। आज का क्लास यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।